फ्री आ रही है, ये भी कराऊंगा मैं, सारा माफ करा दूंगा। मेरा घरेलू कनेक्शन है, ये घरेलू कनेक्शन घरेलू है, इन्होंने बता रखा है कमर्शियल, ये अच्छा ये कमर्शियल बता रखा है, मीटर चालू है। अच्छा, इन्होंने लिख के दिया है कि मीटर बंद है आपका। अच्छा। बार बार यही लिख के जाते हैं मीटर बंद है। मेरे पास एप्लीकेशन है, इसमें दो लगा रखी है मैंने, एक आज की और एक मीटर की रीडिंग भी दिखा रखी है। एक यूनिट चला है दो महीने में। हम स्कीम लाना चाह रहे हैं दो महीने की, जिनके गलत बिल है सारे माफ किए जाए। ये बीजेपी स्कीम भी नहीं लाने देती, हर चीज में टांग अड़ाते हैं, हर चीज में। बताओ जो जनता के फायदे की बात है उसमें तो तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, जनता से क्या दुश्मनी है? जनता के काम से कर लो और ये स्कीम लेके आओ। आप लोगों का साथ चाहिए, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आप यहीं रहते हो सर? हाँ जी, हाँ जी सर। सर एक पहले किसका बिल्डिंग में क्या क्या दुकान है, उनके जीरो आते हैं, हमारे वाला कोरोना काल में बंद रहने के बावजूद ये रीडिंग कब से गड़बड़ आ रही है? ये कोरोना काल के बाद से, कोरोना काल के बाद से रीडर आते नहीं है सर। रीडर आते हैं, नंबर होता है तो कॉल करके आते हैं, रीडिंग कंटिन्यू नहीं हो रही सर, उनके कारण बहुत परेशानी हो रही है। इसको भरने की हम ये स्कीम ला रहे थे अभी। हाँ जी, हाँ जी, हमने पढ़ी थी अभी, वन टाइम सेटलमेंट, वन टाइम सबके माफ करने के लिए। जी जी, भाई एक बार सबके माफ कर दो। ये बीजेपी वाले एनजी को क्या के वो स्कीम नहीं लाने दे रहे, वो ही रोक दिया इन्होंने। इतना तंग करते हैं, ये काम नहीं करने देते, बताओ जनता से क्या दुश्मनी है इन लोगों को? तो आप लोगों का साक्षी है, मैं ये करा के रहूंगा आपका जीरो। सर हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। बीजेपी स्कीम को रोक रही है और ये अभी बाकायदा यहाँ पर बयालीस बढ़े हुए बिल है, पचहत्तर हजार, भरने की जरूरत नहीं है। भरो, भरना मैं तो मैटिक करा दूंगा। अरे सर आपको सर प्लीज कुछ कीजिए सर, बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, सब जगह गए हैं। चिंता ना करो, करा दूंगा सर। रोहित अभी हम स्कीम ला रहे थे, आपने अखबार जाए, अखबार में पढ़ा होगा आपने, हम स्कीम ला रहे थे ये बीजेपी वाले सर, पर करेंगे सर, करेंगे बहुत ज्यादा बढ़िया। छोटे घर हैं, 1 BHK 2 BHK, तो इस पूरे इलाके में छोटे छोटे घरों में बहुत ज्यादा मिला। आपका भी गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ आ रहा है जी। ना तो मीटर रीडिंग वाले मीटर रीडिंग लेने आते हैं, उसके ऊपर बाद में हमें लाख लाख रुपए का बोल दिया जाता है कि बिल आपका लाख रुपए का बिल है। 31,000 का है। हाँ जी, कब से गड़बड़ आ रही है? कोरोना टाइम से पीछे से मीटर लॉक तो मुझे डाल रखे और कह रहे हैं आपका 1 लाख रुपए का बिल है, और ना बिल ना मैसेज आ रहे हैं बिल के हमारे पास, ना हमारे बिल के मैसेज आते हैं बिल के, वो क्या है? अच्छा बिल भी नहीं आया, बिल का ये पुराने रखे हैं, सितंबर का मैंने पेमेंट कर रखा है इतना, मेरे पास रीडिंग लेने आए हैं, वो कहते हैं आपका 1 लाख रुपए का बिल बन रहा है। सर इतने बिल कैसे भरेंगे, इतने बिल बच्चे पढ़ाएंगे, भरेंगे? नहीं आप चिंता मत करो, आपको भरने की जरूरत नहीं, हम लेके आएंगे, ये मैंने सितंबर का पे कर रखा, सबका माफ करा देंगे, आप चिंता ना करो। और अभी तक मैं मैसेज के लिए जा रहा हूँ कि मैं बिल का हमें जनरेट किया जाए, बिल जनरेट भी नहीं हो रहा हमारा। कितना बड़ा घर है आपका सर? 50 गज के मकान। ये क्या मोहल्ले को बांट रहे हैं? तो ये 1 लाख 1.5 लाख का है। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे दिल्ली वालों से कोई दुश्मनी है, हैरान हो रहे हैं, हम बच्चे पढ़ाएंगे, फीस भरेंगे, नहीं भरने की जरूरत नहीं है, मैं कराऊंगा। बिल भी जनरेट नहीं हो रहा, सबसे बड़ी चीज है बिल जनरेट भी नहीं हो रहा, और वहाँ जाते हैं कोई मिलता नहीं है और कोई सुनता नहीं है, प्रॉब्लम की बात की है। आपका अपना भी गलत आ रहा है। हाँ जी सर, इतने इतने बिल आ रहे हैं सर, 25,000 का तो मेरा बिल है, देखिए कब से गड़बड़ है ये सर, कम से कम पिछले 1-2 साल से ऐसे ही चल रहा है।
हमारी प्रॉब्लम को सर आप ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं कराऊंगा, आप लोग अखबार में पढ़ रहे हो रोज हम ये सारे बिल माफ करने की योजना बनाई। अब ये एलजी को कह दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने, एलजी करने नहीं दे रहा, लेकिन करा के रहूंगा। आपको पूरा विश्वास है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करेंगे। पूरा ट्रस्ट है, हम आपके साथ हैं, चिंता ना, हम आपके साथ हैं। अभी ये गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि सेटलमेंट स्कीम में आए और ये हो, पर हो नहीं रहा। मैं करा दूंगा, ये बीजेपी वाले लाने नहीं दे रहे, हमें पता है, लेकिन मैं इसको करा के रहूंगा। हम आपके साथ, जो मर्जी हो जाए, आपको आपने देखा लड़ लड़ के काम कर रहे हैं। हमारे पास आपने 20,000 लीटर फ्री का रखा पानी, पर फिर भी ये नहीं हो रहा, फिर भी ये नहीं हो रहा। चिंता ना करो, चिंता ना करो, मेरे पे भरोसा रखो, आप ही भरोसा। और ये जिसके गलत बिल है 2,50,000 रुपए का, गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है, मैं करा दूंगा। लोकल निवासी हूँ। अच्छा, मेरे ये बिजली का इतना बिल भेज दिया, गरीब आदमी का इतना बिल मैं कहाँ से भरूंगा? आपको भरने गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है, हम करा देंगे इसको। सर हम आप ही आपका साथ चाहिए मेरे को, आप ही हमारा एलजी के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, एलजी ने और बीजेपी वालों ने दुखी कर रखी है लोगों की जिंदगी, पूरी दिल्ली को दुखी कर रखा है इन दोनों ने मिलकर। दुश्मनी निकाल रहे हैं ये दिल्ली वालों से। नहीं, नहीं मैं करा दूंगा, करा जारी रखेंगे, बहुत गरीब आदमी। नहीं नहीं चिंता ना करो, क्या करेंगे, सबकी गलत आ रहे हैं, बताओ। बहुत ज्यादा छोटे छोटे सबके मकान है, सात लाख गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है, मैं कराऊंगा। आप लोगों का साथ लिए बस, ये बीजेपी वालों से रोज लड़ रहा हूँ, आप देख रहे हो। बहुत गलत है, 1,50,000 रुपए। हाँ जी, देखो ये कोरोना के टाइम से गलत आ रहा है। आपका 13,000 रुपए। जिन जिन लोगों को लग रहा है कि गलत बिल आए हैं, भरने की जरूरत नहीं है, चला दो इनको, फाड़ दो, क्या बताएं। गलत आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, हम एक स्कीम लेके आए हैं भाई, जिनके गलत बिल है सारे माफ कर दो, सारे जीरो कर दो, लेकिन ये बीजेपी वाले पास नहीं होने दे रहे। एलजी को कह के इन्होंने रुकवा दिए सारे बिल, लेकिन और भी सारी चीजें मैंने लड़ लड़के इनसे ठीक कराई, ये भी करा दूंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए मेरे को, आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है, गलत बिल मत भरो। अगल बगल की गलियों से भी कुछ लोग आता है। नमस्ते जी, नमस्ते। आपका भी गलत आया हुआ, हमारा बिल गलत आया हुआ, और आपसे अपील है, जैसे आपने हमें बिजली की राहत दिलाई है, मैं दिलाऊंगा। मैं अभी आप लोगों ने अखबार में बहुत अच्छा कर रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं आप दिल्ली के प्रधानमंत्री हमारे लिए हमारे लिए ये जीरो करा दूंगा, जीरो करा दूंगा। हम आपके आने से बहुत खुश हैं, आपसे भी खुश हैं, हमारा टाइम टाइम का सब काम हो रहा है। अम्मा जी, मैं ये स्कीम लेके आया हूँ अभी, जिनके गलत बिल है सबके जीरो एक बार कर दिए जाए, जीरो कर दिए जाए, ताकि लोगों को धक्के ना खाने पड़े। धन्यवाद। जो जाते धन्यवाद, जो रिश्वत देता है उसका कर देते हैं, जो रिश्वत नहीं देता तो एक बारी में सबके, दिल्ली में 11 लाख परिवार हैं जिनके गलत बिल है, तो सबके जीरो कर दो। लेकिन ये बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे, एलजी इनका है, एलजी ने सारा रोक दिया, क्योंकि अफसर उनके
लेकिन मैं आपका करा के रहूंगा, मेरे को चाहे जो मर्जी करना पड़े। आपका साथ एक करवाने के बाद में एक महीने के महीना बिल बिल के लाए, दो महीने बाद में एक महीने का महीना, उसमें हेरा फेरी नहीं होगी। लेकिन हम चाहते हैं सर फिर मैं चाय पीने आऊंगा आपके, पहले बिल भी करा दूं फिर आऊंगा। चाय तो मैंने बता के रखी हुई है। नहीं अभी नहीं, अभी अभी मेरे को कई लोगों से मिला, पहले आपका बिल ठीक करा दूं फिर चाय पीने आऊंगा। आप मेरे स्टूडेंट हैं किसमें से? अच्छा, मैं IIT दिल्ली से टेक्निकल अफसर रिटायर हूँ। अच्छा, दो 20 साल हो गए IIT दिल्ली से, बस 20 साल हो गए मुझे रिटायर हुए तो। अच्छा, आपके टाइम सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपसे जुड़ी हूँ, मुझे बस एक पिक चाहिए। 12 सालों से आपके साथ फोटो ले लो। अनूप, अनूप फोटो ले। हेलो जी, जय हिंद। मैडम सबसे पुरानी फोटो वहाँ आपके साथ ही मेरी फोटो डोमेस्टिक है, कमर्शियल है? डोमेस्टिक है। कब से गड़बड़ आ रहा है? बहुत काफी टाइम से बहुत गड़बड़ आ रहा है इधर। कितने बार में? कितने साल से? 2022 से गड़बड़ आ रहा है, 2022। अच्छा, 2 साल से। अभी भरने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक करा दूंगा। चिंता नहीं, चिंता ना। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया जी। सबके गड़बड़ आ रहे हैं बिल सर, 1,51,200 कुछ का है, हम कैसे ये बिल भरेंगे बताओ आप? बच्चों की फीसें भरे, बच्चों को पाले, 30,000 रुपए का था, अब 50,000 का कुछ बिल आ रहा है। कब से ये कोरोना टाइम से गड़बड़ा रहे हैं? जी हाँ जी, उसके पहले ठीक आ रहे थे ना? हाँ जी, उसके समय आते थे। अभी जीरो बिल आ रहा था हमारा, जीरो आ रहे थे बिल उस समय, 1.5 लाख के बिल बना दिए 2 साल में मेरे ना। तो अभी आपको जो जो गलत बिल आ रहे हैं वो भरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, लगभग दिल्ली में 11 लाख परिवारों के गलत बिल आ रहे हैं। जी जी, हम स्कीम लेके आए हैं भाई, जिनके गलत बिल आ रहे हैं वो धक्के खा रहे हैं बेचारे, रिश्वत देनी पड़ रही है बिल ठीक कराने के लिए। जिनके गलत बिल है सबके माफ कर दिए जाए, जीरो कर दिए जाए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल सर, होने चाहिए, एक बार ही सबके जीरो कर दे। लेकिन ये बीजेपी वाले करने नहीं दे रहे। बीजेपी वालों ने LG को क्या किया, LG इनका है, LG को क्या किया, ये स्कीम रुकवा दी। लेकिन आपका साथ चाहिए, ये मैं करा के रहूंगा, आपके बिल जीरो करा के रहूंगा। सारे आपके साथ ही रहेंगे, बिल बिल मत भरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने दुखी कर रखा है बीजेपी और LG ने, दोनों ने मिलके और पूरी दिल्ली को, दिल्ली की जिंदगी इन्होंने हराम कर दिया। आप चिंता ना करो अम्मा, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ अम्मा। हाँ नहीं, चिंबर परेशान होने की जरूरत नहीं, सब दिन फाड़ दे, फाड़ दो। आपके भी बिल फोटो आ जाओ, सब लोग ले लो, जाओ मुझे दो, मैं लेता हूँ सब्जी, सेल्फी लेता हूँ, दिखाओ सबकी। सब 3,10,000 रुपए का है। बाप रे, आप इतनी अच्छी अच्छी स्कीम लाए दिल्ली के अंदर, उसके बाद बीजेपी वाले कोई स्कीम कामयाब नहीं होने दे रहे। बीजेपी वालों ने दुश्मनी ले रखी है दिल्ली वालों से, आपका, और फिर भी आप लोकसभा में इनको जिता देते हो। हम नहीं जिताते सर, इस बार नहीं जिताना, हम किसी कीमत में नहीं जिताएंगे आपकी सारी स्कीम। मेरे हाथ मजबूत करो ताकि पार्लियामेंट में हाथ हम आवाज उठा सके। सर आपकी स्कीम तो गेट पास हो रही है, हर आदमी, ये मैं करा दूंगा, बिल भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद।
सर ये देखिए 40-40 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं 3-3 महीने के, हम लोग कैसे ये बिल भरे? हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम इतना परेशान हैं। कब से गड़बड़ आ रहे हैं सर? ये कोरोना से पहले से ही था जी, और हम लोग बहुत परेशान हैं सर। अरे एक मिडिल क्लास फैमिली अगर ऐसे बिल भर पाएगी क्या फिर? 22,000 रुपए का जी, ये 22,000। कोई भी गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है सर, ये आपने बोल दिया और आज के बाद हम लोग ये बिल नहीं भरेंगे। बिल्कुल, हमें आप पे पूरा भरोसा है और उम्मीद रखते हैं। अभी हम एक स्कीम लेके आए हैं जी सर, लगभग दिल्ली में 11 लाख परिवारों के गलत बिल आ रहे हैं। हम स्कीम लेके आए हैं, सबके जीरो होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए सर। लोग धक्के खा, लोग धक्के खा रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले करने नहीं दे रहे जी। तो आपका साथ चाहिए, मैं इसको करा के रहूंगा, कुछ भी करना पड़ेगा सर। हम लोग आपके साथ हैं। कितने का बिल है? है हमारा ये 18,000 का, और हर बार सर ये होता है, मेरी चिंता ना करो आप, 1,00,000 का है। चिंता जो गलत बिल है भरने की जरूरत नहीं, फाड़ के फेंक दो, मैं ठीक करा दूंगा। ठीक है, आपका भी गलत है। हाँ जी, ये देखो कोई वो ही नहीं है, सुनवाई नहीं है, कुछ ही नहीं है। ये देखिए आप, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख भरे हम, दोनों भी हमारे भरने की जरूरत नहीं है, गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है। इसको मैं सबके बिल जीरो कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे, सुनते नहीं। और एलजी को कह के इन्होंने रुकवा दी स्कीम, हम स्कीम ला रहे हैं, जल्दी ला रहे हैं। तो गलत बिल कोई भरने की जरूरत नहीं है, आपका साथ चाहिए। आप ये लोकसभा में इन लोगों को जिता देते हो, आपके साथ है, आप इस बार वोट मत देना इनको लोकसभा में, बिल्कुल भी नहीं, भरने की जरूरत नहीं है, चिंता ना करो, मैं जीरो करा दूंगा। थैंक यू। नमस्ते जी, नमस्ते माता जी, आ गए जी। माता जी, माता जी कैसी हो? आप भी घूम के आए? वीर यात्रा गई थी? आली, आली, आली। कहाँ गई थी? मैं कहीं नहीं गई। अच्छा, भी इनको ले, इनका करवाओ तो करवाओ, मेरा भी बीमार हूँ, कुछ कुछ क्या बताओ, 1,00,000 रुपया बिजली का आया है। बिजली तो जीरो आया, पानी का अम्मा भरने की जरूरत नहीं है, मैं करा दूंगा, जीरो करा दूंगा। माने को नहीं, कहाँ से भरे? नहीं, जीरो जीरो करा दूंगा, बहुत जीरो करा दूंगा। बहुत बड़े आदमी बनो, बहुत बड़े सरवन कुमार दिल्ली के। हमारी मैडम जी, गाँधी जी मैम, ये मिली आप कितनी बार घर पे भी आके? मैं करा दूंगा अम्मा, चिंता ना करो, भरने की जरूरत नहीं। आप गरीब आदमी को कुछ, आप लोग बार बार लोकसभा में बीजेपी को जिताते हो, बीजेपी वालों ने दुखी कर रखे हो दिल्ली वाले, गरीब एक बार लोकसभा में वोट मत देना। बिल्कुल नहीं है जी, हमारे आप ही हो। हाँ।
आपके भी ज्यादा आए हैं? हाँ, अभी ज्यादा आए हैं। 25,000 है सर, 16,000, 13,000, 13,000। जिन जिन के गलत बिल आए हैं आपको बिल भरने की जरूरत नहीं है। कोरोना के टाइम से पूरी दिल्ली में लगभग 11 लाख, कोरोना के टाइम में मीटर रीडिंग हो नहीं पाई, लगभग 11 लाख परिवारों के गलत बिल आ रहे हैं। तो हमने अभी स्कीम लेके आए हैं भाई, सबके बिल जीरो कर दो, क्योंकि लोग धक्के खा रहे हैं, दफ्तरों के रिश्वत देनी पड़ रही है, कोई फायदा नहीं है। एक बार सबके जीरो करके दोबारा चालू करते हैं, लेकिन ये बीजेपी वालों ने एलजी को कह के स्कीम रुकवा दी। तो आपका साथ चाहिए, मैं ये स्कीम लागू करा के छोड़ूंगा, सबके बिल जीरो हो जाएंगे, सारा पुराना वो कर देंगे माफ। अभी एक बार ही आप लोगों का साथ चाहिए तो लड़ेंगे इनके साथ। नेताओं को इतनी सारी स्कीम्स मिल सकती है, इतनी सारी जनता को क्यों नहीं मिल रही? आप आम आदमी पार्टी जो है, आप जब से आई है तब से जनता के फेवर में स्कीम्स आती रही है, तो जनता के फेवर में अगर ये स्कीम आई है तो क्या दिक्कत है बीजेपी को? वो स्कीम को बीजेपी वाले एक्चुअली अब नफरत करने लगे हैं दिल्ली वालों से, क्योंकि आप लोगों ने 3 बार मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया, 3 बार उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो बिल्कुल जले भुने बैठे हैं कि केजरीवाल को तुमने सीएम क्यों बना दिया। हम तो सर सब चाहते हैं कि एक समझदार, एक एक एक्टिव पढ़ा लिखा आदमी बने सीएम, जो जनहित में काम हो, पीएम बने वो। हम चाहते हैं पीएम बने, हम तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है। मैं कराऊंगा, देखो दिल्ली है, देश का फायदा उठावा। नमस्कार। अरे आपके भी बिल गलत हैं। हाँ जी, 1,30,000, 27,000, ये बढ़ के 37,000 हो गए भाई साहब। और ये अभी कोरोना के टाइम से गड़बड़ हो रही होगी। हाँ जी, तो अभी गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी हम स्कीम लाए हैं पुराने बिल सारे माफ करने के लिए, जिनके गलत बिल हैं। वो जो ड्यू दिल्ली में लगभग सब एलपीएससी इंटरेस्ट सब माफ कर देंगे, और पुराने बिल भी माफ कर देंगे। सब 11 लाख परिवारों के गलत बिल हैं, हमने असेसमेंट किया है। बीजेपी वालों ने सत्यानाश कर दिया है, बीजेपी वालों ने स्कीम को रुकवा दिया एलजी को। क्या बताओ, कोई गलत बात है ना? बिल्कुल गलत बात। तो दिल्ली के लोगों से क्यों दुश्मनी निकालते हो? आपके मेयर से दुश्मनी? तो आपका साथ चाहिए, मैं ये करा दूंगा, जीरो करा देंगे। बीजेपी वालों ने, थैंक यू। नमस्ते जी, नमस्ते। हमारा बिजली का बिल देखो, 1,00,000 रुपए से ऊपर है हमारा बिल। ये देखो सर, 1,00,000 रुपए से ऊपर कहाँ से भरेंगे? एक आदमी कमाने वाला, 4 बच्चे खाने वाले कहाँ से भरेंगे सर? इसी के लिए आया हूँ मैं आपके। बताइए सर, पानी का बिल, पानी का बिल है ये, बिजली का नहीं, पानी का। सॉरी, पानी का बिल है सर, ये कहाँ से भरेंगे बताइए ना? 1,00,000 रुपए से ऊपर है सर। तो आपका कोरोना के टाइम से गलत आ रहा है? जब से ही आ रहा है सर, तो उसे पहले से भी गलत आ रहा है, अब भी गलत आ रहा है। कैसे भरेंगे बताओ, कोई स्कीम लागू? अभी हम एक स्कीम लेके आए हैं, आपने अखबारों में पढ़ा? जी पढ़ा, लेकिन स्कीम रोक दी गई है ना? रोक दी तो बीजेपी वालों ने एलजी के साथ मिलके, वो स्कीम क्या है पहले समझ लो। हाँ जी, कोरोना के टाइम में कई जगह मीटर रीडर गए नहीं, बिल्कुल नहीं गए। लगभग 11 लाख परिवारों के गलत बिल आ रहे हैं दिल्ली, क्योंकि वो जब मीटर रीडर नहीं गए तो उन्होंने अनाप शनाप लिख दिया, फिर उस पर इंटरेस्ट लगने लग गया, एलपीएससी लगने लग गया। तो हम स्कीम लेके आए हैं भाई, जिनके बिल गलत हैं एक बार उनके सबके जीरो कर दो और दोबारा से शुरू करो। होने चाहिए नहीं, अच्छी स्कीम है कि नहीं? अब ये बीजेपी ने और एलजी ने मिलके स्कीम रुकवा दी। हाँ जी, ये रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं लड़ूंगा आपके लिए और मैं कराऊंगा। बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं जी, बिल्कुल खड़े हैं, आप कहोगे आपके साथ खड़े हैं जी। नमस्ते। हाँ, सब खाली नाम ही नाम है। हाँ, 10,000 बिला रहे कहाँ है? बिला बिलाई थी। अच्छा चलो, कोई नहीं, हम देख लेंगे। ऐसे चाहिए।
नमस्कार जी, नमस्कार। आप कभी दिन कर लेते हैं? अरे यार क्या कर रहे हो? आंटी जी नमस्ते, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। 32,000 शुक्रिया, 32,000 है। और भी सबका ज्यादा जिन जिन लोगों को लगता है उनके बिल गलत आ रहे हैं उनको भरने की जरूरत नहीं है। और अभी हम एक स्कीम लेके आए हैं। हुआ क्या कि कोरोना के टाइम में मीटर रीडर गए नहीं, मीटर रीडिंग लेने अनाशना रीडिंग भर दी ऑफिस में बैठ के, उस पर फिर NPSC और इंटरेस्ट लगता गया, अब लोगों के लाखों के बिल बन गए। तो हमने देखा है लगभग 11 लाख परिवारों के बिल गलत हैं। हम एक स्कीम लेके आए हैं भाई, जिनके बिल गलत हैं एक बार उनके सबके जीरो कर दो, बिल तो भरने नहीं है। बिकॉज अब लोग धक्के खा रहे हैं हमारी रिश्वत दे के और अपने बिल ठीक करा रहे हैं। 11 लाख लोगों के कब तक बिल ठीक होंगे? 80 साल लग जाएंगे। तो हम स्कीम लाए हैं भाई, सबके जीरो कर दो। बीजेपी वालों ने रुकवा दिया इसको। LG इनका है और LG के कंट्रोल में बहुत सारी पावर, LG को कहके इन्होंने रुकवा दिया। लेकिन इसको मैं करा के रहूंगा, आपके सबके बिल जीरो करा दूंगा, आपको अभी भरने की जरूरत नहीं। आप ही करवा सकते हैं, आपका साथ चाहिए। ये लोकसभा चुनाव में आप लोग बीजेपी वालों को वोट देते हैं, पार्लियामेंट में मेरा एक आदमी नहीं है। हम तो तुम्हारे साथ आए हैं, हम तो पहले ही यही साथ हैं। तो पार्लियामेंट ठप कर दूंगा अगर ये बीजेपी ने। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते। आपका बिल गलत है, आराम से। हमारा बिल गलत आया सर, इतना बिल कैसे भरे हम? अब बच्चों को पढ़ाएं, हम बहुत गरीब हैं, बच्चों को पढ़ाएं या फिर बिल भरे? बिल भरने की जरूरत है। 3.5 लाख का बिल है। अरे बाप रे सर, रीडर्स नहीं आते, डोमेस्टिक है ये? यस सर। और ये 2-4 लोगों के फैमिली में इतने इतने बिल आ रहे थे, कोरोना के जो रेगुलर बता के भेज रहे हैं, एवरेज वाली रीडिंग बता के भेज रहे हैं, रीडर्स ठीक से काम नहीं करते हैं। हम स्कीम लेके आए, आपने देखा। नमस्ते अम्मा जी, कैसी हो? ठीक है। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। और मेरी पेंशन, बुढ़ापे वालों की पेंशन बंद कर देते हैं, पता नहीं क्या फायदा। आपकी लगी हुई है? हाँ। आ नहीं रही अभी? अभी इस महीने नहीं आई। आ जाएगी, आ जाएगी, मैं करा दूंगा, चिंता ना करो सर। आपकी सेटलमेंट बाहर बैठे हुए थे? नहीं, वो लाएंगे। थैंक यू सर, ये बंद करा रहे हैं। मैं इसीलिए तो आई हूँ, सर गुजारिश है सर, भरने की जरूरत नहीं है, मैं करा रहा हूँ और जीरो करा दूंगा सबका। थैंक यू सर, आप ही का भरोसा है। नमस्ते सर, इतने बिल आ रहे हैं, बताइए कैसे करें? सर एक आप हमारी उम्मीद हो, मैं करा दूंगा। सर इतने बिल आ रहे हैं, कैसे करेंगे? करो सर, सर आपसे रीडिंग करने आते नहीं है, रीडिंग लेने सर कोई नहीं आता। सर जब से सरकार बनी है वैसे बहुत खुश है। मैं करा दूंगा, मैं ये स्कीम लेके आया हूँ, बीजेपी वाले ने रोक दी, LG को कह के, लेकिन उसको चालू कराऊंगा मैं। और जब भी हो आप ही बनने चाहिए, लोकसभा चुनाव में हमारा आदमी जिता देना अंदर।
ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे बाबा 1,20,000 सर, ये मेरा 1,85,300 है 60 दिन का। और सर, ये स्कीम तो आपने लॉन्च की, हम बहुत खुश हुए कि बच्चों की कॉलेज की फीस बढ़ जाएगी, मगर वो क्या कह रहे हैं, वो एलजी साहब ने पास ही नहीं कर रहे फीस। आप इसीलिए आए हो आज आपके पास, आपका साथ चाहिए। वो ये मैं करा के रहूंगा एलजी से, जैसे मर्जी करा लूं। सारे काम करा लिए कि नहीं, सारे काम कराए कि नहीं कराए एलजी से, ये भी मैं करा के छोड़ूंगा, चिंता ना करो। ठीक है, और ये गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है, सारे जीरो करा दूंगा। ठीक है, आपका कितने का है ये? 32,000। ये गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है, वो एलजी साहब ने बीजेपी वालों ने कह के रुकवा दी एलजी को कह के ये स्कीम, अब ये सबके जीरो करा दूंगा। तो अभी हमें भरने की जरूरत नहीं, अभी भरने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बस 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 रोक दो, अभी आप लोगों ने देखा, मैं पूरी गली में कई लोगों से मैं मिला, बहुत सारे लोगों के पानी के गलत बिल आ रहे हैं, छोटे छोटे 50-50 गज के मकान हैं, और किसी का 1,00,000 का, किसी का 1,25,00,000 का, किसी का 40,000 का बिल आया हुआ है। ये सबसे ज्यादा समस्या शुरू हुई कोरोना काल में, कोरोना काल में कोरोना की वजह से कई महीने मीटर रीडर मीटर रीडिंग लेने नहीं गए, उन्होंने दफ्तर में बैठ के ही अपनी फर्जी मीटर रीडिंग भर दी, उसकी वजह से गलत बिल आने लगे, जनता ने भरे नहीं, उस पर इंटरेस्ट लगता गया, उस पर एलपीसी पेनल्टी लगती गई और बिल लाखों में पहुंच गए। इसकी वजह से पूरी दिल्ली के अंदर हमने एक असेसमेंट किया है, लगभग 11,00,000 परिवारों के बिल गलत आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, 11,00,000 परिवारों के बिल ठीक नहीं किए जा सकते, ठीक करने लग गए 80 साल लगेंगे। तो हम एक स्कीम लेके आए हैं कि ये जो पुराने बिल जिनके गलत आ रहे हैं, इनके बिल ठीक किए जाएं ऑटोमेटिक कंप्यूटर में डाल के। जिन लोगों की पुरानी 5 साल में 2 ओके रीडिंग है, उसका एवरेज निकाल लेते हैं, जो ओके है, जो कस्टमर ने कहा हाँ ओके है, हमने भी कहा ओके है, उसकी ओके रीडिंग की एवरेज निकाल लेते हैं और सारे महीनों की उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे हमारा अपना, और जिस जिसकी 20,000 से कम आएगी उसका जीरो कर देंगे। हमारा अपना अनुमान है 90-95% जिन लोगों के गलत बिल है उनका जीरो बिल हो जाएगा, जो आज धक्के खा रहे हैं बेचारे। आज लोग जल बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं, जल बोर्ड में रिश्वत दे दो तो बिल ठीक हो जाता है, नहीं दो तो नहीं होता। तो मेरा सबसे एक तो ये निवेदन है कि आपको जिन जिन लोगों को लगता है बिल गलत आ रहे हैं, बिल भरने की जरूरत नहीं है, फाड़ के फेंक दो, मैं हूं, मैं ठीक करा दूंगा। दूसरी चीज, हम एक स्कीम लाए हैं, उस स्कीम के तहत ये जैसे मैंने बताया ओके रीडिंग वालों का के हिसाब से निकालेंगे तो 95% दिल्ली के जीरो हो जाएंगे बिल। लेकिन बीजेपी वालों ने, एलजी बीजेपी के हैं, बीजेपी वालों ने एलजी को कह के ये स्कीम रुकवा दी, दिल्ली के अंदर अफसरों से कह के ये स्कीम रुकवा दी, ये बहुत गलत बात है। जनता के हित की स्कीम है, जनता पब्लिक वेलफेयर की स्कीम है, बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए। बीजेपी की दुश्मनी आम आदमी पार्टी से है, केजरीवाल से है, जनता से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं? तो बीजेपी ने एलजी को कह के निकलवा दी। आज मैं आप सब लोगों के बीच में आपका साथ मांगने के लिए आया हूं, आप मुझे साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए, ये स्कीम मैं लागू करवा के छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। एलजी से जैसे जितने और सारे काम करा दिए, ये वाला काम भी आपका करा के छोड़ूंगा। थैंक यू।